एक तरफा भी प्यार हो सकता है, मेरे तरफ से प्यार हो गया है। आई चाचा सामने जा रहा है, बगल से ही प्यार हो सकता है इनको भी, अगर प्यार होता है तब आप क्या कीजिएगा, क्या करेंगे उसको, जो अपनाएंगे और खिलाइएगा। हाँ फिर आपके बच्चे कहाँ आ जाएंगे? मेरा भी, वो भी मेरा बच्चा हो जाएगा, वो आपका बच्चा हो जाएगा। हाँ। हम भी पवन सिंह की तरह ही दिखते हैं, आप हमसे शादी कर लीजिए, बहुत प्यार करते हैं, आपका जो होगा हम करेंगे, आप कीजिएगा। नहीं नहीं, पवन सिंह की तरह दिखते हैं तो आप कीजिएगा चंदन उपाध्याय से, उनका भी शादी शुदा हो गया, उनका भी बच्चा, उनका भी खिलाइएगा, कर लीजिए। चलते तो आपको आदमी को अपनाना चाहिए, इसके चलते कोई भी हो, इसके बच्चा हो क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीसी न्यूज और मैं हूं दिलीप कुशवाहा, और मेरे सामने जो शख्स दिख रही है एक काजल राज टू है, और ये अपने आप को काजल राज है, काजल राज टू ये मानती है, तो इनसे बात करेंगे आखिर इनमें ऐसा क्या खास है कि अपने आप को एक काजल राज टू कहती है और पवन सिंह को बार बार बदनाम ही करने की कोशिश करती है, तो इनसे जानने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। सबसे पहले काजल जी आपका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। अपना सबसे शुभ नाम बताइए क्या है? मेरा नाम रानी राज है। रानी राज, लेकिन काजल राज टू क्यों बोलते हैं? क्योंकि पब्लिक हमको बुलाता है इसलिए हम बोलते हैं। पब्लिक आपको बुलाता हाँ। है। अच्छा, बार बार आप पवन सिंह के बारे में बोलती है कि पवन सिंह मेरा ये है वो है, ऐसा क्यों? पवन सिंह मेरा ये है वो है, अभी एक बार भी नहीं बोले, हम सिर्फ यही बोले कि पवन सिंह से हम बहुत प्यार करते हैं, हम पवन सिंह से मिलना चाहते हैं। ये तो हो गया कि किसी को देखे आपको प्यार हो गया तो उनसे आप मिलना चाहते हैं, ये कौन सी बात है? क्योंकि हमको मौका मिला है बोलने का, पब्लिक में, बीच में पब्लिक देखेगा, अब हमको पहुंचाएगा। पब्लिक बोलिए कि आप पवन सिंह से जाके मिल जाइए, पब्लिक पहुंचाएगा, हमको ऐसा मौका मिला है मीडिया के सामने बोलने के लिए, क्योंकि वीडियो अगर वायरल होगा तो उनके पास जरूर पहुंचेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं मौका। अगर आपका वीडियो वायरल हुआ तो पवन सिंह के पास पहुंचने का मौका मिलेगा, लेकिन पवन सिंह के तरह ही अगर कोई हो क्या वो बोले कि हम काजल राज से मिलना चाहते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या आप करेगी? नहीं, प्यार तो दो तरह नहीं हो सकता ना, कभी कभी एक तरफ होता है। हम तो नहीं बोल रहे कि पवन सिंह को भी हमको प्यार करना पड़ेगा, हम सिर्फ यही बोल रहे कि हम प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, इसका मतलब है नहीं कि उनको भी शादी करना पड़ेगा, उनको भी प्यार करना पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ भी आपका मानना है कि मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी, मैं चाहती हूँ, मैं प्यार करती हूँ इसलिए चाहती हूँ। तो एक दो शादी आपको पहले से ही पता? हाँ पता है, तो दो शादी आप खिलाइएगा। हाँ हम खिलाएंगे। खिलाएंगे नहीं, खिलाइएगा। हाँ फिर आपके बच्चे कहाँ आ जाएंगे? मेरा भी, वो भी मेरा बच्चा हो जाएगा, वो आपका बच्चा हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो अगर आपको कोई फोन करके ऐसा बोल दे कि हम भी पवन सिंह की तरह ही दिखते हैं, आप हमसे शादी कर लीजिए, बहुत प्यार करते हैं, आपका जो होगा हम करेंगे, आप कीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, सवाल कड़वा है, जवाब दीजिए। नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हमको जो असली, आपको जो लगेगा वही कीजिएगा, लेकिन अगले सामने वाले को जो लगेगा क्या वो नहीं कर सकता है? हाँ क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, तो अभी किसी शादी कर लीजिए जो बोलेगा। नहीं, हम तो ये नहीं बोल रहे ना, जो पवन सिंह को बोलना पड़ेगा हमको शादी करना पड़ेगा, हम मेरा मर्जी, मेरा मन है, मेरा जो लग रहा है, मेरा जो फीलिंग जिसके लिए आ रहा है, हम तो उसी का नाम लेंगे ना। तो आपके लिए भी किसी के दिल में फीलिंग आता होगा ना, तो सवाल कड़वा है, आपके लिए भी फीलिंग इन लोगों को भी आता होगा, किसी को भी आ सकता तो है तो हम नहीं राजी हो रहे हैं। पवन सिंह खूब, सुनिए, पवन सिंह खूबसूरत है, आपको वो नहीं मान रहे हैं, आप आपको मानना पड़ेगा, तो अगर सामने वाले को आप खूबसूरत तो दिख रही है, आपको भी मानना पड़ेगा। हम तो पवन सिंह को ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको शादी करना ही पड़ेगा, हमको प्यार करना ही पड़ेगा, ये कैसा बात हुआ? मैं प्यार करती हूँ, मेरे अंदर फीलिंग से हम बोल दिए बस, ये मतलब नहीं कि उनको भी शादी करना पड़ेगा, उनको भी प्यार करना तो पड़ेगा। महीने महीने किसी किसी का फीलिंग आते रहेगा, उसके बारे में इंटरव्यू देते रहिएगा, बदनाम करते रहिए। नहीं ऐसे, ये बदनाम नहीं है, मेरे अंदर जो फीलिंग से मैं जो जिसको प्यार करती हूँ, दुनिया को दिखाइएगा भाई उनसे हम प्यार करते हैं। हाँ हाँ, दुनिया को। ऐसा क्यों? क्योंकि हम प्यार करते हैं। आप करती क्या है ये बताइए? हम ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं। ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं, तो क्या चाहती है? प्रोग्राम करना चाहते हैं, पैसा। प्रोग्राम तो कर रही है, पैसा कमा रही है। हाँ। उसके बाद क्या चाहती है? नाम कमाना चाहते हैं। नाम तो कमा रही है, मीडिया में तो आप नाम कमा ही रही है, और क्या चाहती है? शादी करना चाहती है, आगे बढ़ना है, शादी करना चाहती है। शादी बाद में, शादी बाद में बात है, पहले अगर सामने जाए प्रपोज करे फिर शादी का बात बने। सुनिए पवन सिंह, जितने भी भोजपुरी स्टार दिख रहे हैं ये पहले सामने जाएगी, प्रपोज करेगी, अगर इनको वहाँ इसी रोड पे कोई प्रपोज कर दे तो आप कीजिएगा? नहीं, सवाल कड़वा है, कीजिएगा ना? नहीं, तो अभी प्रपोज कीजिएगा, उन्हें बोल देना ही, तब क्या कीजिएगा? तो नहीं होगा, नहीं होगा, सामने जाएंगे यही काफी है। सामने जाएंगे मतलब कि कोई भी लड़की किसी को कुछ भी चाहे और हम उससे प्यार करते हैं, शादी करेंगे, प्रपोज करेंगे, यही कहानी है दुनिया की ना जी? नहीं, यही कहानी नहीं है, यही कहानी है। आप लोग की आज तक कोई वीडियो भी नहीं देखे कि मेरे तरह कोई बोल रहा होगा, और अगर कोई बोल रहा हो तो मेरे को देख के बोल रहा होगा, ठीक है? तो सब कोई नाम लेता है, ज्यादातर खेसारी लाल का, खेसारी लाल ये है, खेसारी लाल है, टैटू बनवा के वायरल हो रहा है, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप भी बनवाइए टैटू? नहीं, कोई जरूर
जरूरत नहीं है। हम दिल से प्यार करते, दिल का बात बता दिए। अब उनके पास वीडियो जाए या ना जाए, हम तो, मेरे तो अच्छा ये दिल का बात अपना बता दिया। बहुत सारे लोग इधर लड़का लोग खड़ा है, इनका दिल का बात पूछा हुआ आपको कुछ बोल दे तब क्या कीजिएगा, अच्छा लगेगा, खूब अच्छा लगेगा। लोगों का बात नहीं, अगर दुनिया सबको सबकी से शादी कर लेगा, सबकी से प्यार हो जाता, तो दुनिया बंद हो जाएगा ना। जिसके लिए फीलिंग्स आएगा उसके लिए वो बोलेगा। मेरे लिए तो बहुत लड़का को फीलिंग्स आएगा, तो हम सब लड़का को थोड़ी शादी कर लेंगे, सब लड़का को थोड़ी पसंद कर लेंगे। जैसे कि हमको पसंद है पवन सिंह, इसका मतलब है नहीं कि उनको भी पसंद आ जाए। हम क्या बोले बार बार कि एक तरफा भी प्यार हो सकता है, मेरे तरफ से प्यार हो गया है ये मतलब। हाँ चलिए, एक और सवाल मेरे जानकारी में है कि एक चंदन उपाध्याय करके नाम है, वो आपको फोन किए थे। हाँ वो ऐसा बोल रहे थे कि हमको भी पवन सिंह की तरह हम भी दिखते हैं, तो क्या वो करेंगे तो आप कीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, ये देख लीजिए सबसे बड़ी खबर बता रही कि चंदन उपाध्याय इनको फोन किए थे। आई चंदन पवन सिंह का प्यार वाला बात कर रही थी, तो चंदन उपाध्याय बोल रहे हैं कि हम भी तो पवन सिंह के तरह दिखते हैं, तो क्या कीजिएगा चंदन उपाध्याय से? उनका भी शादी शुदा हो गया, उनका भी बच्चा, उनका भी खिलाइएगा। हाँ। कर लीजिए, नहीं करेगी तो ऐसा हो गया, मानना हो गया। वो भी मान रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत गोरी है। इस दर्शक काफी लोग का दिख रहा है, आपको ही दिख रहा है। इधर दिखाइए, इधर देखिए, चाचा भी देख रहे हैं, ऋषि को देख रहे हैं, इधर सब लोग दिखाइए। चाचा कहा ले जा, इन्हीं को देख रहे हैं। आप किसको देख रहे हैं? इन्हीं को देख रहे हैं। इनको देख रहे हैं, आपको किनको देख रहे हैं? प्यार वार इनसे नहीं ना हुआ है? ना ना प्यार नहीं, प्यार इन लोग का प्यार नहीं हुआ। बताइए, ये बोल रहे कि हम प्यार करते, अगर कोई इसमें से बोल दे कि हम प्यार करते हैं, प्यार तो जो है दोनों तरफ से ही होता है। प्यार चाचा कहना है दोनों तरफ से होता है। अच्छा अच्छा, आपको अगर प्यार होता है तब आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे उसको, जो अपनाएंगे और क्या? अपनाएंगे अपनाएंगे। चलिए, चाचा का भी कहना है और इस सुंदर लड़की किसी को भी प्यार हो जाएगा, इसका कहना है। चलिए चलिए, मेरा प्रयास काजल राज, इस खूबसूरत लड़की के बारे में आप क्या कहना है? आई चाचा सामने जा रहे हैं, बगल से ही प्यार हो सकता है इनको भी, हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तो आइए चाचा इधर से, क्या बोले प्रेम भाव? बहुत बड़ी चीज होती है, इसके चलते तो आपको आदमी को अपनाना चाहिए। इसके चलते कोई भी हो, इसके बच्चा हो चाहे सियाना हो चाहे जो भी हो, बस। चलिए चलिए, चाचा को शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर हो भी गया है। अब बताइए, बूढ़े लोग भी कहते हैं हो सकता है, अब बूढ़े लोग कह रहे हैं कि हम आपको पसंद, आप कर लीजिएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो हम बार बार यही बोलेंगे कि एक तरफ भी प्यार हो सकता है, मेरे तरफ से प्यार होगा, ये बात नहीं कि उनको भी प्यार हो, उनको भी शादी करने का मन हो, ये तो नहीं हो सकता है। मेरे तरफ से हम बोल दिए, बस मेरे को मौका मिला हम बोल दिए। चलिए, इनको भी मौका मिला ही बोल लिया, चाचा को मौका मिला था वो बोल लिया। हाँ। जाते जाते मेरा प्रयास इनके साथ कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस काजल राज अपने आप को कहने पे आपका क्या रहा है, ये भी जरूर बता।